माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी। पश्चात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो सराहा हॉस्पिटल है वो 30 से 40 पंचायतों का केंद्र है, परंतु सराहा हॉस्पिटल में अभी तक अल्ट्रासाउंड मशीन की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां के जो लोग हैं उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए या तो शिमला जाना पड़ता है या फिर सोलन। तो मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा और प्रश्न भी रहेगा कि कब तक अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवा सकते हैं। और साथ में माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा कि जो राजगढ़ हॉस्पिटल है वहां पर हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि वहां भी आप इस पोस्ट को भरें, क्योंकि वहां राजगढ़ में हमारे पास नई टेक्नोलॉजी की हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस पोस्ट को भी जल्दी भरें। We have a plan, sir, Mr. Speaker, sir, that we are training our general duty medical officers, और चूंकि रेडियोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इसके मद्देनजर व्हाट वी हैव प्लान्ड कि वी हैव अ बैचेस ऑफ 6 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, उन्हें 6-6 महीने का प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है, ताकि इसी प्रकार से जब वो ट्रेन हो जाएंगे दूसरे 6 और ट्रेन करेंगे। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो ब्रिज कोर्स जो ये कह रहे हैं कि मेडिकल ऑफिसर्स को हम 6 महीने के लिए ट्रेन करके रेडियोलॉजिस्ट के रूप में उनसे सेवाएं लेंगे, क्या इस कोर्स को नेशनल मेडिकल कमीशन मान्यता देता है या नहीं देता? वैसे तो ज्ञान के भंडार और रादर एक्सपर्ट इन द मेडिकल फील्ड इज ऑनरेबल डॉक्टर जंगराज जी, और इन्होंने भी सारी समस्या को देखा भी है और शायद हम लोगों को विरासत के रूप में भी दिया गया, ऐसा भी मेरा मानना है। यू सी द ब्रिज कोर्स दैट वी आर which we are trying to conceive of has been approved by the government of India. And medical officers, I just like to tell you something from the war front also, because I have participated in wars. We normally have double trade system all the time. An officer has to be a driver as well as a gunner, anybody for that matter. If he is not, if there is a casualty, then other fellow cannot operate the system. Similarly, if we are training the medical officers, they are to be trained in the 6-month bridge course has been approved by the government of India, you should appreciate it, and we are good.